हीलोफाई हिंदी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आप हमारा हर वीडियो देख पाएं। हेलो एवरीवन, हमारे नए यूट्यूब वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हीलोफाई हिंदी के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में आपको किस तरह से लेटना चाहिए कि आपके जो बच्चा है उसका विकास बहुत सही तरीके से गर्भ में हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप झट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो आने वाले सभी वीडियोस हैं आप आसानी से देख पाएं। इसके अलावा अगर आपको पेरेंटिंग या प्रेगनेंसी से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए या फिर आप हमारी ऐप पर फेमस होना चाहते हैं और साथ ही घर बैठे खूब सारा कमाई करना चाहते हैं तो जल्दी से हीलोफाई ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गर्भावस्था के दौरान आपको कैसी पोजीशंस में बिल्कुल नहीं लेटना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले है कि आपको सीधे यानी कि पीठ के बल नहीं लेटना चाहिए। एक्चुअली जो आप पीठ के बल लेटते हैं तो आपको सांस लेने की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आपको सीने में जलन भी महसूस हो सकती है या फिर आपके जो कमर है उसमें भी दर्द हो सकता है। तो आप प्रेगनेंसी के दौरान सीधे पीठ के बल पर बिल्कुल ना लेटें। एक और खास पोजीशन है जिसमें आपको बिल्कुल भी गर्भावस्था के दौरान नहीं लेटना है और ये है पेट के बल। यानी कि अभी हमने बात की कि आपको सीधा नहीं लेटना चाहिए और अब आपको उल्टा यानी कि पेट के बल बिल्कुल नहीं लेटना चाहिए। जब आप प्रेगनेंसी के दौरान पेट के बल लेटते हैं तो आपका जो पेट है, आपका जो गर्भाशय है उस पर दबाव पड़ता है और ऐसा होने से बच्चे को जो है वो सही मात्रा में ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाता है और ब्लड भी नहीं मिल पाता है और बच्चे को जो है उसकी सेहत पर असर पड़ सकता है, बच्चे के विकास पर भी असर पड़ सकता है। तो आप पेट के बल भी बिल्कुल ना लेटें पूरी गर्भावस्था के दौरान। अब बात करते हैं उस पोजीशन की जिसमें आपको लेटने में बिल्कुल परेशानी भी नहीं होगी और ये बच्चे के विकास के लिए भी अच्छा होगा और आपको भी सेहत में जो आपके है वो किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। तो ये है बाईं करवट यानी कि उल्टे हाथ की तरफ लेटना। आप उल्टे हाथ की तरफ करवट लेके लेट सकती हैं। ध्यान रहे कि आपको पेट के बल नहीं लेटना है बल्कि करवट लेके बाईं तरफ लेटना है। ऐसा करने से आपके जो सीने में जलन की समस्या होती है लेटने के दौरान वो भी नहीं होगी, आपको कमर में दर्द भी नहीं होगा और साथ ही आपका जो बच्चा है गर्भ में उसे अच्छी तरह से ब्लड भी मिलेगा और ऑक्सीजन का सप्लाई भी बेहतर तरीके से होगा। इसके साथ ही इस करवट में लेटने का एक और फायदा है और वो ये कि जब आप इस करवट में लेटती हैं तो आपको किसी तरह का ना दर्द महसूस होता है, जो भी आपको दर्द अगर कमर में दर्द हो रहा है वो भी नहीं होता है, उसमें आपको राहत मिल सकती है। इसके अलावा जब आप प्रेगनेंसी की स्टेजेस बढ़ती रहती हैं तो इस पोजीशन में सोने से आपको आराम भी मिलेगा। अगर आपको कभी इस पोजीशन में सोने में दिक्कत हो तो आप दोनों पैरों के बीच में तकिया रख सकती हैं। ऐसा करने से आपको आराम मिलेगा और आप आसानी से सो पाएंगी। तो लेडीज, ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने देखा कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान किस पोजीशन में लेटना चाहिए जिससे बच्चे का विकास भी अच्छा हो और आपकी सेहत भी बनी रहे। तो हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। अगर आपको थोड़ी सी भी इससे हेल्प मिले या आपको वीडियो पसंद आए और आपकी प्रॉब्लम ये वीडियो सॉल्व कर पाए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपना ढेर सारा प्यार दें। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकती हैं। और चलते चलते जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे घंटी को दबा दें।